हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी बैश में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर किसी को सिर्फ सेक्स करने की बीमारी हो जाए तो उसे वो कैसे टैकल करेगा। साथ ही साथ जानेंगे कि कॉलेज में एक सीडक्टिव जूनियर कैसे एक अच्छे रिलेशनशिप के बीच आ जाता है और एक लेस्बियन कपल कैसे सभी से लड़के शादी करते हैं। और जरा इमेजिन करिए दोस्तों कि आपको एक ऐसा दोस्त बन जाए जो किसी से बात नहीं करना चाहता। तो फ्रेंड्स आज हम इन्हीं सारी स्टोरी प्लॉट्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे टॉप 10 बेस्ट एडल्ट कॉमेडी थ्रिलर हॉलीवुड की मूवीज जो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। ये होगी दोस्तों पार्ट 3 वीडियो। पार्ट 1 एंड 2 के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो जरूर देखिएगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इन सब मूवीज में काफी सारे इरोटिक एंड सेक्स सीन्स हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं वीडियो और बात करते हैं दोस्तों नंबर 10 के बारे में। नंबर 10 पे दोस्तों सिक्स ईयर्स जो की आई थी 2015 में, ड्रामा एंड रोमांस जॉनर की है, IMDb रेटिंग है 5.6। दोस्तों सिक्स ईयर्स को डायरेक्ट किया है हैना फिडेल ने और इसमें आपको दिखेंगे टाइसा फर्मिका और बेन रोजनफील्ड कपल के रूप में। ये मूवी है दो चाइल्डहुड फ्रेंड्स के बारे में जो रिलेशनशिप में आने के बाद काफी अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस को डिस्कवर करते हैं। सिक्स इयर्स में इनकी लव स्टोरी इवॉल्व होती है जहां शुरुआत में तो उनका लव बहुत आइडियल होता है, आपको पैशनेट सेक्स भी देखने को मिलेगा। इस लव स्टोरी में दोस्तों दरार तब आती है जब लड़के को ड्रीम जॉब ऑफर होती है एक रिकॉर्ड कंपनी से। वो क्या चूज करता है अपनी लव लाइफ या ड्रीम जॉब और वो इस सिचुएशन को कैसे टैकल करता है ये बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। बात करें आगे दोस्तों नंबर 9 के बारे में। नंबर 9 पे है मूवी टाइगर जो कि आई थी 2016 में, ड्रामा एंड स्पोर्ट जॉनर के फ्रेंड्स, IMDb रेटिंग है 5.5। इस मूवी को डायरेक्ट किया है हर्नन बेलन ने और बॉक्सर्स की एक्टिंग में है दोस्तों लियोनार्डो सेब्रागिल्या और इवा दी डोमिनिकी। एक बॉक्सर जो 50 साल का है वो करियर और परिवार से खुश है, वो बहुत सारे इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीत चुका है, वो अब ओल्ड हो रहा है दोस्तों बॉक्सिंग बिजनेस में और अपने करियर के एंड में भी है, लेकिन वो और ज्यादा फाइट करना चाहता है जिसके लिए वो रोज जिम में वर्कआउट करता है। एक दिन एक 25 साल की ब्यूटीफुल अपकमिंग एस्पायरिंग बॉक्सर जिम ज्वाइन करती है। बॉक्सर उस रात उसके बारे में सोचता रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग बाथरूम में वो उसके साथ फोर्सफुली सेक्स करता है, लेकिन ये रिलेशन म्यूचुअल कंसेंट में बदल जाता है। वे दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और जब भी मौका मिलता है दोनों एग्रेसिव सेक्स करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से बॉक्सर की लाइफ बदल जाती है और सब कुछ ठीक उसे करना पड़ता है। आगे बात करते हैं दोस्तों नंबर 8 के बारे में। नंबर 8 पे हैंडसम डेविल जो कि आई थी 2016 में, कॉमेडी ड्रामा एंड स्पोर्ट जॉनर की दोस्तों, IMDb रेटिंग है 7.1। दोस्तों हैंडसम डेविल एक 2016 की आयरिश कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है जॉन बटलर ने। इसमें दो बेस्ट फ्रेंड्स के रोल में हैं निकोलस और फियोना ओशी। दोस्तों कहानी है एक लोनली टीनेजर की जो आयरलैंड में एक बॉयज के रग्बी ऑब्सेस्ड बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। वो किसी ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, ना ही कोई उसे बात करता है। फिर उसका एक नया रूममेट बनता है दोस्तों जो कि स्कूल का नया रग्बी स्टार प्लेयर है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, अथॉरिटीज उनके फ्रेंडशिप को टेस्ट करते हैं। ये फिल्म दोस्तों होमोसेक्सुअलिटी पे बेस्ड है। आगे बात करते हैं दोस्तों नंबर 7 के बारे में। नंबर 7 पे एलिजा एंड मार्सेला जो कि आई थी 2019 में, बायोग्राफी ड्रामा एंड रोमांस जॉनर की फ्रेंड्स, IMDb रेटिंग है 6.6। दोस्तों फिल्म को डायरेक्ट किया है इजाबेल कोगिजेट ने। एलिजा और मार्सेला के रोल प्ले किए हैं दोस्तों नटालिया और ग्रेटा ने। ये कहानी 1901 स्पेन में हुई पहली लेस्बियन शादी के बारे में है। दो गर्ल्स एलिजा और मार्सेला 15 साल से लवर्स हैं, वो दोनों स्कूल से साथ में हैं। वो अपने इस रिलेशनशिप को दुनिया से छुपा के रखते हैं। मार्सेला के पेरेंट्स को डाउट होता है और उसे कुछ सालों के लिए बाहर विदेश भेज देते हैं। जब वो लौटती है वो एलिजा के साथ फिर से रिलेशनशिप में आती है। दोनों साथ में लाइफ स्पेंड करने का डिसाइड करते हैं। दोनों अपने रिलेशनशिप को बचाने का प्लान बनाते हैं। इस बार एलिजा कुछ समय के लिए शहर छोड़ देती है और मारियो नाम रखकर दूसरे रूप के साथ वापस आ जाती है ताकि वो मार्सेला से शादी कर सके। लेकिन इस मैरिज के लिए कुछ भी इतना आसान नहीं होता। क्या वो शादी कर पाएंगे दोस्तों, इसके लिए आप ये मूवी जरूर देखें। इसमें आपको बहुत सारे लेस्बियन हॉट सीन्स देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों नंबर 6 के बारे में। नंबर 6 पे प्राइवेट लाइफ जो कि आई थी 2018 में, कॉमेडी एंड ड्रामा जॉनर की है, IMDb रेटिंग है 7.2।
दोस्तों ये फिल्म को राइट एंड डायरेक्ट किया है टमारा जेंकिंस ने और पॉल गेम्माटी एंड कैथरीन मेन कैरेक्टर्स में हैं, जो कि हस्बैंड वाइफ के रोल में आपको दिखेंगे। इस कपल को बेबी चाहिए, जिसके लिए वो इनफर्टिलिटी से स्ट्रगल करते हैं। अपनी मैरिज को लाइव रखने के लिए वो दुनिया के सारे ऑप्शंस को तलाशते हैं, जैसे कि स्पर्म डोनेशन, IVF। बेबी कंसीव करने के लिए वो वर्ल्ड के बेस्ट इनफर्टिलिटी डॉक्टर से मिलते हैं। नंबर पांच की बात करते हैं दोस्तों। नंबर पांच पे है डक बटर, जो कि आई थी 2018 में। कॉमेडी ड्रामा एंड रोमांस जॉनर के फ्रेंड्स, IMDb रेटिंग है 5.3। दोस्तों ये मूवी को डायरेक्ट किया है मिगुएल ने और मेन कैरेक्टर्स में हैं आलिया श्वाकत और लाया कोस्टा। दोस्तों कहानी है दो वुमेन के बारे में जो डिससेटिस्फाइड हैं डिसऑनेस्टी और ब्रोकन रिलेशनशिप से, जो वो एक्सपीरियंस करते हैं अपने डेटिंग और पास्ट रिलेशनशिप में। वो एक पैक्ट बनाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो दोनों 24 घंटे एक साथ स्पेंड करेंगी। इस दौरान एक नई फीलिंग ऑफ इंटीमेसी को दोनों एक्सपीरियंस कर डालते हैं। उनका ये रोमांटिक एक्सपीरियंस जिसमें सेक्स भी शामिल है अनप्लान्ड रहता है। नंबर चार की अब बात कर लेते हैं दोस्तों। नंबर चार पे यू गेट मी, जो कि आई थी 2017 में। क्राइम ड्रामा एंड रोमांस जॉनर के दोस्तों, IMDb रेटिंग है 4.7। दोस्तों ये मूवी को डायरेक्ट किया है बर्नट बोनाकोर्सो ने। स्टारिंग में है बेला थ्रोन, हेल्स्टन सेज और टेलर। दोस्तों अ वन नाइट स्टैंड एक नाइटमेयर में बदल जाता है एक हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए। वन नाइट स्टैंड से पहले वो अपनी एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन एक बिग फाइट की वजह से उनके बीच ब्रेकअप हो जाता है। इसके बाद वो एक और खूबसूरत लड़की, जो कि सिडक्टिव न्यू कमर है, उसके साथ बेड शेयर करता है। दोस्तों न्यू कमर उसको ऐसी रात का एक्सपीरियंस करवाती है जो कि वो हमेशा याद रखता है। उसके बाद नई लड़की को सेक्स एंड लव का ऑब्सेशन हो जाता है। ये लड़का आगे इस रिलेशनशिप को कैसे टैकल करता है ये इसमें दिखाया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों नंबर तीन के बारे में। नंबर तीन पे अर्थक्वेक बर्ड, जो कि आई थी 2019 में। क्राइम ड्रामा एंड मिस्ट्री जॉनर के फ्रेंड्स, IMDb रेटिंग है 5.9। दोस्तों अर्थक्वेक बर्ड 2019 की एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, जिसके राइटर एंड डायरेक्टर हैं वॉस वेस्टमरलैंड। ये स्टोरी बेस्ड है 2001 में आई नोवेल से। इसमें स्टारिंग है अलिशिया रिले और नाओकी। स्टोरी सेट है दोस्तों 1989 की टोक्यो में। लूसी एज अ ट्रांसलेटर का काम करती है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, और उस पे मर्डर का सस्पेक्ट होता है जब उसकी दोस्त लिली गायब हो जाती है। लूसी का लव इंटरेस्ट होता है तेजी, वही लिली का बॉयफ्रेंड भी है। तेजी वुमेन सेक्सुअल फोटोग्राफर है। दोस्तों तेजी लूसी और लिली दोनों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहता है और कई सारे न्यूड पिक्चर्स उसके पास होते हैं। लूसी अपने आप को कैसे बेगुनाह साबित करती है, इसके लिए आप ये मूवी जरूर देखिएगा दोस्तों। इसमें आपको बहुत सारे हॉट सीन्स भी देखने को मिलेंगे। नंबर दो की अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। नंबर दो पे राइड और डाई, जो कि आई थी 2021 में। ड्रामा रोमांस एंड थ्रिलर जॉनर के फ्रेंड्स, IMDb रेटिंग है 5.5। इसको डायरेक्ट किया है दोस्तों रियोची हिरोकी ने और स्टारिंग किया है किको मिजोहारा और ओनामी सातो ने। कहानी की बात करें दोस्तों तो री एक लेस्बियन और वो अपने 20s में है। ये जानने के बाद कि उसकी फॉर्मर क्लासमेट नैने ब्रूटल डोमेस्टिक वायलेंस को सफर कर रही है उसके हस्बैंड के द्वारा, वो उसके हस्बैंड को मारने का डिसाइड करती है ताकि वो अपने फ्रेंड नैने के लिए अपने प्यार दिखा सके। नैने के दिल में काफी फियर है और रे के साथ डर कर रहती है। आगे कैसे दोनों एक दूसरे से रिलेशनशिप रखते हैं और लेस्बियन लव को नैने एक्सेप्ट करती है या नहीं, ये सस्पेंस के लिए ये मूवी को मिस ना करे दोस्तों। नंबर एक की बात कर लेते हैं। नंबर एक पे है एडिक्टेड, जो कि आई थी 2014 में। ड्रामा एंड थ्रिलर जॉनर की है। IMDb रेटिंग है 5.1। दोस्तों एडिक्टेड एक 2014 की अमेरिकन इरोटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है बिली वुडरफ ने। इसमें एक्टर्स हैं शेरन ली, बोरिस कुजो, टेसा स्मिथ, टाइसन बेकफोर्ड। कहानी की बात की जाए तो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन जोई अपनी लाइफ बहुत आलीशान तरीके से जीती है। उसका एक बहुत लविंग हस्बैंड है, दो ब्यूटीफुल बच्चे और एक आउटस्टैंडिंग करियर, लेकिन जितनी आउटर वर्ल्ड से उसकी लाइफ बेहतरीन दिखती है उतनी है नहीं। जो को नाइफोमेनिया नाम की बीमारी है। दोस्तों इस बीमारी के कारण वो कई डिफरेंट आदमी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखती है। अल्टीमेटली उसकी ये डिजीज उसके फैमिली करियर एंड लाइफ के लिए प्रॉब्लम बन जाती है। कहानी में काफी सारे इरोटिक एंड सेक्स सीन्स देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों ये थी टॉप 10 बेस्ट अडल्ट कॉमेडी थ्रिलर हॉलीवुड मूवीज जो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स में। उम्मीद है आपको ये लिस्ट बहुत पसंद आएगी और इनमें से कोई ना कोई मूवी जरूर आप देखना चाहेंगे। आगे के और बेहतरीन वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक और
चैनल मूवी बैश को सब्सक्राइब जरूर करें।